हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी का जो सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षक का इंटरव्यू हो रहा है, जो कि 6 अक्टूबर के दिन इंटरव्यू हुआ है। उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो विमुद्रीकरण के बारे में पूछा गया है। और विमुद्रीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, तो इसमें का देखिए डिफिनेशन क्या होगा। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। और इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू कर देती है। और जिसके पास काला धन होता है वह उसको बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं, और जिसके कारण काला धन स्वयं नष्ट हो जाता है। जिसे आप लोग देखे होंगे नोटबंदी के समय में, जिसके पास काला धन था वो लोग अपना काला धन को छिपा कर रखे हुए हैं और उसका यूज नहीं कर पाए, तो यही कारण होता है विमुद्रीकरण का भी वही हुआ। और इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया है, सन 1895 ईस्वी में जी मार्कोनी ने किया था। और इसके बाद देखिए कि अगर आप लोगों को सारे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इन सब जो भी इंटरव्यू हो रहा है उसका वीडियो पीडीएफ आपको दे सकता हूं, तो आप लोग व्हाट्सएप मुझे करिएगा। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आप किस जिले में रहते हैं। तो आप किस जिले में रहते हैं, यहाँ जिला बताना है, आप कौन से जिले में रहते हैं। तो इसके बाद आपके जिले के बारे में पूछा गया कि वहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, तो आपके जिले में जो भी चीज़ प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध त्यौहार बताना होगा आपको, या फिर प्रसिद्ध खान पान मिष्ठान जो भी होगा प्रसिद्ध उसके बारे में आपको बताना है। और इसके बाद देखिए आप सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस का इन सब का ये कॉमन इंटरव्यू है, जो कि मैंने जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू का जो वीडियो मैंने डाला हूँ तो वो आप जरूर देखिएगा एक बार, क्योंकि ये सब कॉमन क्वेश्चन आंसर तो पता चल ही जाएंगे उनसे, वहाँ से तो मिल ही जाएगा। और इसके अलावा भी आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर वहाँ से भी दोहराए जा रहे हैं, तो इसलिए आप एक बार जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू का वीडियो जरूर देखिएगा। और इसके बाद किस तरह से इंटरव्यू को क्रैक करना है, किस तरह से इंटरव्यू देना है, किस तरह से अंदर जाना है इंटरव्यू के लिए, वो सब उस आपको मेरे वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है, तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपको कौन सा खेल पसंद है। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी स्टूडेंट था जिससे ये पूछा गया उसे क्रिकेट पसंद था, तो इसी के वजह से उससे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि पृथ्वी शाह किस खेल से संबंधित है। तो पृथ्वी शाह आप यह हाल ही में जान रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जान रहे हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं। सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं, यह कॉमर्स से आपका क्वेश्चन पूछ दे रहा है। और यहाँ देखिए सॉफ्ट करेंसी की परिभाषा है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इजराइल की मुद्रा बताओ। इजराइल की मुद्रा क्या है, सेकेल होता है इजराइल की मुद्रा। इसके बाद जो पूछा गया वो है पद्मावत की के रचनाकार का नाम बताओ। तो पद्मावत की रचनाकार है मलिक मोहम्मद जैसी। और एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप ये अपने जो सब्जेक्ट है आपका सिलेबस है उससे तो पढ़िए ही, इसके अलावा भी और भी चीज़ आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ कर जाएं, और जिसकी वजह से आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और पेपर ज़रूर पढ़ते रहिए न्यूज़पेपर। और इसके बाद जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो बुलर झील है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
अगला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है वो है अच्छा सॉरी, यहाँ पर अब आज के लिए इतना ही था, और जो लोग पीडीएफ चाहते हैं फिर लेना, वो पीडीएफ के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए कुछ पैड करना होगा आपको। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।